ना इनका अभी अभी गर्मियों तक ही रहेंगे, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए ऐसी। और यहाँ पे देख लो आप, स्नेक प्लांट पूरे भरे हुए हैं, ये पूरे जितने गमले हैं ना मेरे सारे भर चुके हैं। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो अभी अभी दोस्तों दिया है पानी पौधों में, ये इंडोर वाले सारे प्लांट्स हैं, इनमें पानी दे दिया है। और देखो जो मनी प्लांट है ना, वो कितना बड़ा हो गया मेरा, ये देखो ऊपर तक जा रहा है, ये देखो इधर से दिखाती हूँ, ये देखो कहाँ तक चला गया, मतलब मेरी छत वाली जो रेलिंग है ना वहाँ तक ये जा चुका है, कितना बड़ा हो चुका है। और इसके पत्ते भी ना बड़े बड़े से आ रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला प्लांट मेरा। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको अपना दूसरा मनी प्लांट। और ये वाला मनी प्लांट ना, इसकी जो बेल है ये देखो, ये ना गिर गई थी, ऊपर से धागा टूट गया था, तो फिर मैंने इसको रेलिंग के साथ ही ना सटा के ऐसे ही टांग दिया, अभी इसको बांधूंगी मैं, तो वेट कर रही हूँ, कुछ दिन बाद करूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता, तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं इनको फिर बांध दूँगी। और इधर देख लो, मैंने अभी पानी डाला ना, तो इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा सा बह रहा है, वैसे तो पोछा लगा चुकी हूँ फिर भी बह रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं, तो ये वाला देखो जेड मैंने इन्हें कटिंग से लगाया था, तो कितना सुंदर लग रहा है। इधर ये वाला मेरा मनी प्लांट है, ये मैंने कटिंग से लगाया था, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसकी जो कटिंग है कितनी बड़ी हो चुकी है, ऊपर तक जा रही है। और जब पहले मैंने वीडियो बनाया था ना मनी प्लांट का, तो तब ना यहाँ तक था ये, फिर मैंने ये रस्सी से उधर टाई किया था, तो देख लो कहाँ तक, ऊपर तक जा रहा है, तो इस तरीके से लग रहा है। और अपने इंडोर प्लांट दिखा देती हूँ, आज मैंने सोचा चलो आज आपको ना अपने इंडोर प्लांट थोड़े दिखा देती हूँ, और यहीं से शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की, तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे रखे हुए हैं मैंने। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सारे स्नेक प्लांट हैं, ये देखो इधर से स्टार्ट हो रखे हैं सारे स्नेक प्लांट हैं, ये इधर से पूरे। और ये बीच में ना, ये सिंगेनियम का प्लांट है मेरा, ये मनी प्लांट की तरह ही होता है, और इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखो बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। तो ये मैंने ऐसे इस तरीके से बीच में रखा हुआ है, और इसके साइड में फिर मैंने एक लाइन और बनाई हुई है स्नेक प्लांट की। और ये वाला स्नेक प्लांट है ना जो मेरा, ये वाला, इसके पत्ते थोड़े डिफरेंट है, बहुत अच्छा लगता है। और इधर भी स्नेक प्लांट है, और इधर ये छोटे वाले हैं, ये भी स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है, और ये भी स्नेक प्लांट है। इधर फिर से एक और, ये वेरीगेटेड सी जो लीव्स होती है ना, इसकी बहुत सुंदर लगती है, ये देखो ना बहुत प्यारी। अब तो इसके बहुत सारे मैंने ना एक से काफ़ी सारे बनाए हुए हैं कटिंग से, तो ये भी यहाँ रखा हुआ है। और इधर ये वाला मनी प्लांट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसकी बेल जा रही है इधर तक, अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। तो इसमें ना मैंने लगाया हुआ है, ये 9 AM वाले फूल खिलते हैं, तो और इसमें अभी नहीं कोई कली बनी हुई, इधर है इसमें खिले हुए, मैं दिखा देती हूँ, देखो ये एक ऑरेंज कलर का है, अलग अलग कलर के लगाए हुए मैंने, इधर पिंक है, ये देखो। और ना बहुत जल्दी इधर जो खिलते हैं ना वो बंद बहुत जल्दी हो जाते हैं फूल, ज़्यादा देर तक नहीं खिलते। और इधर ये मेरा डायंथस का है, इसमें फूल इक्का दुक्का खिल रहे हैं, पूरे अच्छे से आ नहीं रहे हैं, या तो अभी कलियाँ नहीं बनी है, या फिर अब हुई है ना कि थोड़ा और ठंडा मौसम होगा ना तब आएंगे अच्छे से। और इधर दिखा देती हूँ, इधर भी ना सारी बंद हो चुकी हैं खिल खिल के एक बार, अब दोबारा से कलियाँ स्टार्ट होंगी बननी, तब फिर इसमें भी बनेंगे फूल आएंगे। तो ये भी 9 AM वाली है,
और मैं आपको दिखाती हूँ इधर से, और वहाँ से मेरा जो सीढ़ियाँ है ना वहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऐसे करके आते हैं हम लोग। तो यूँ देखिए यहाँ से सारे स्नेक प्लांट हैं, इधर भी हैं लाइन से, और यहाँ ना इस वाले कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है अपना, ये देख लीजिए मनी प्लांट एक और। और ये ऐसे मैंने ना बुशी मतलब इस तरीके से कटिंग की हुई थी इसकी, लेकिन फिर भी ना इसकी लीव्स मेरा मनी प्लांट्स की फिर भी इसकी बहुत लेंथ ना कुछ लीव्स की बढ़ गई, तो फिर मैंने काटी नहीं, फिर मैंने इस तरीके से ऊपर की तरफ ना टाई कर दी, रेलिंग से बांध दी है। ये देखिए, और इसी के ठीक सामने वो जो मेरे मेन गेट के सामने है ना, वो भी मैं इसी के ठीक सामने। तो इस तरीके से दोनों मैंने, एक इस कॉर्नर पे है एक उस वाले कॉर्नर पे है, बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर इधर से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं हम, तो ये देख लीजिए एक ये स्नेक प्लांट है और एक ये स्नेक प्लांट है, और इधर देखिए ये मेरा जो मनी प्लांट है ना, ये सोनपरी जब थी ना तो वो ख़राब कर दी थी इसको ना, खोद दिया था पूरा, और कटिंग जो मैंने इसकी लगाई थी वो ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसे ऊपर से कट करके ना छोड़ दिया था, तो फिर वहाँ देख लो दोबारा से आ गया मनी प्लांट। और इसी के अंदर ना ये टमाटर का प्लांट आ गया है, जैसे पिछली बार आ गया था ना टमाटर का प्लांट खुद ब खुद, ऐसे ही फिर एक आ गया है। तो इसको देखती हूँ मैं, एक दो दिन और छोड़ के ना थोड़ा और बड़ा हो, फिर मैं इसे छत पर ना जगह दे दूँगी किसी गमले में। और इधर एक और स्नेक प्लांट है, और इधर ये वाला फिर से स्नेक प्लांट की वैरायटी। ये वाले बहुत खूबसूरत लगते हैं, एकदम फ्लावर की तरह उगते हैं, और देखो पूरा गमला ना इनसे भर जाता है, और बिल्कुल एकदम ना ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते, कभी कभार पानी दो आप तो भी चलते हैं, ये प्लांट बहुत अच्छे प्लांट होते हैं ये। और इधर ये देख लीजिए मेरा एक और स्नेक प्लांट, और इधर दिखाती हूँ मैं आपको छोटा सा मेरा ना प्यारा सा एक प्लांट है, स्नेक प्लांट की वैरायटी है ये, मैंने लगाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। तो जब बड़ा हो जाएगा ना तो ये भी ऐसे पूरे गमले में ना इस तरीके से फैल जाएगा, तो बहुत प्यारा है ये भी। अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कैसा लगता है गार्डन, ये देखो इस तरीके से मैंने पूरा अपना इनडोर गार्डन है ना वो बनाया हुआ है, ये देखो वहाँ से पूरा मतलब इस तरीके से सीढ़ियों से आते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे। और सारे ही ऐसे प्लांट हैं इंडोर वाले मेरे, जो मतलब बहुत कम पानी जिनमें यूज़ होता है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता, बस ये 9 AM फ्लावर वाले हैं ना जो अभी सीज़न है तब तक चलेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे, और ये वाले तो खैर चलते रहते हैं। 12 महीने के प्लांट हैं ये वाले स्नेक प्लांट और ये मनी प्लांट, ये सब 12 महीने चलते हैं। अब मैंने ये तो दिखा दिया है आपको गार्डन अपना, अब मैं दिखाती हूँ आपको और भी स्नेक प्लांट जो मैंने अपने बैल्कनी में रखे हुए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये तन्नू ने देख लो टीवी चलाया हुआ है, और इधर अब आ जाते हैं मेरी बैल्कनी में। तो बैल्कनी में ना अभी फ़िलहाल में मैंने क्या किया हुआ है ना, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की हुई, रीज़न अभी मैंने ने सारे सेट करने हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैंने इनको सजाया नहीं हुआ। और यहाँ पे देख लो आप कितना प्यारे लगते हैं ना, ये वाली जो वेरीगेटेड से स्नेक प्लांट होते हैं ना जिनकी इस तरीके से साइडों में कलर वाली पत्तियाँ होती हैं ना, बहुत सुंदर लगती हैं ये वाली मुझे। और ये देखो कितना बड़ा हो चुका है, ये सारे में फैला हुआ है, पूरा पूरा गमला इसने भर दिया है, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। और इधर दिखाती हूँ आपको, मैंने छत पे ना बीज जो लगाए थे अपराजिता के, मैंने कहा था कि मैंने वो नीचे रख दिए हैं, तो यहाँ पर जगह दी है मैंने उन्हें, ये देख लीजिए इस वाले गमले में। और इसी के साथ ना मैंने यहाँ पर लगाए हुए 9 AM वाले जो फूल आते हैं जिनमें, ये देखो तो ऐसे खिलते रहते हैं। और ये जो बेल है अपराजिता की, ये भी बड़ी होती जा रही है, इस पर मैंने रस्सी से ऐसे टाई कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना इसको, ये जो स्टैंड है ना ये लोहे की जो रॉड जा रही है इसके साथ बांध लूँगी, ताकि ये ना ऐसे ऊपर से ना पूरी जाए। पता नहीं अपराजिता चलेगी या नहीं चलेगी, यहाँ पर कितना चलती है वो मुझे पता नहीं है, अगर नहीं चलती है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैंने वो भी रखा हुआ है इस रॉड के साथ टाई करने के लिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
ये है मेरा कटिंग से लगाया हुआ हरा भरा मनी प्लांट, कितना खूबसूरत है आप देखो, और कितना पूरा भर चुका है ये ना, इतना प्यारा हो चुका है। सिर्फ एक छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने और ये देखो कितना बड़ा हो गया पूरा। मैं आप दिखाती हूँ गमले में, ये देखो एक ही कटिंग है ये, और एक ही कटिंग की ग्रोथ देख लो आप। इधर देखो ये भी, ये देखो यहाँ से भी इसकी एक बेल जा रही है, ये निकल चुकी है, ये भी जाएगी ऊपर की तरफ अभी, और इसको भी ना मैं ऊपर की तरफ कर दूंगी, और यहाँ से इसकी जो बेल है ना वो जा रही है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी रस्सी को इस तरीके से अभी बांधा हुआ अभी फिलहाल के लिए, फिर मैं इसको बाद में ना आगे जगह दे दूंगी। और ये जो देख रहे हैं ना आप कांटे से, ये मैं एसी पे लगाती थी, अब एसी पे मैंने दूसरी लगा दी है, ये लोहे वाली, स्टील वाली सॉरी। तो ये मैंने हटा के गमले में इसलिए रखी है, फिर वो गमले में कबूतर बैठते हैं और यहीं अंडा दे देते हैं, तो इस वजह से मैंने ये रखी हुई है ताकि वो यहाँ ना बैठे एटलीस्ट, क्योंकि फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको और सारे स्नेक प्लांट अपने, ये देखो। और इसमें ना स्नेक प्लांट के अंदर ही ना ये जो वो है सदाबहार के फूल, ये भी पौधे निकल आए थे, तो ये भी मैंने इसी में रहने दिए क्योंकि सीज़न है इनका भी, अभी गर्मियों तक ही रहेंगे फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए ऐसी। और यहाँ पे देख लो आप स्नेक प्लांट पूरे भरे हुए हैं, ये पूरे जितने गमले हैं ना मेरे सारे भर चुके हैं, और इतने ही मैंने बाहर रखे हुए हैं, इतने ही अंदर हैं, तो बहुत सारे काफ़ी सारे हो चुके हैं मेरे पास अब। तो कुछ इस तरीके से है दोस्तों मेरा गार्डन। और एक तो अच्छी सी कीमती चीज़ आपको दिखाने भूल गई मैं, ये देखिए ये मेरी तुलसी मैया, ये मेरे गार्डन की सबसे कीमती चीज़ है। तो और यहाँ ना एक मुझे स्टिक लगानी है क्योंकि ये इस तरीके से ना झुक रही है ये टहनी, या तो मैं स्टिक लगाऊंगी या इधर देखूंगी यहाँ अगर टाई हो सके इस साइड को तो वो करूंगी। और देख लीजिए अंदर ना काफ़ी सारी जो तुलसी है ना उगाई हैं छोटी छोटी, ये देखो। तो और ये वाला भी प्लांट एक तुलसी के साथ ही है, और इसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या है, अगर आपको ध्यान है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको पता है इसका क्या नाम है, तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। पर ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो एक ये रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी टू ग्रो है, मतलब इसमें ज़्यादा पानी वानी आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको स्नेक प्लांट की केयर करनी होती है ना उतनी इस प्लांट की भी करनी होती है। तो ये भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, और कुछ ऐसे कॉर्नर पे मैंने ऐसे रखा हुआ है, अभी ना पूरा मैंने सजाया नहीं है, डेकोरेट नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ दिवाली से पहले पहले मैं कर दूंगी सारा डेकोरेशन, क्योंकि अभी क्या है ना बस टाइम मिल ही नहीं पाया मुझे ज़्यादा, तो कर नहीं पाई क्योंकि घर का काम भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। मैं अपनी तरफ कैमरा करती हूँ एक मिनट। तो हाँ जी दोस्तों एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और देख लिया आपने मेरा गार्डन, इंडोर मैं इस तरीके से प्लांट रखती हूँ सारे, मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो में एक बार शेयर किया हुआ है, लेकिन जो नए नए मेरे सब्सक्राइबर हैं ना उनकी डिमांड पर मैं फिर से ले आई ये वाला वीडियो एक बार फिर से दिखाने के लिए आपको, तो फिर मैंने अच्छे से आज दिखा दिया है, क्योंकि पहले जो वीडियो बनाया था उसमें शायद ठीक से मैं नहीं दिखा पाई थी। तो अभी जो है मैंने वन बाय वन सारे प्लांट्स दिखा दिए कि मैंने कैसे कैसे रखे हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ, और हाँ जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो जन्माष्टमी का आएगा, तो बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।